अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग ठीक होंगे। आपको जैसे कि पता है छुट्टियां हो गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। आज मेरे फादर की 15 डेज की छुट्टियां हो चुकी थी, तो मैं इस 15 डेज का फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैं वैसे मेरी तो 2 महीने की हो चुकी है क्योंकि समर हॉलीडेज भी हो गई थी, तो मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ अपने मदर और फादर की हेल्प से। तो आज मैंने एक और नई चीज़ सीखी है जिसका नाम है नमक पारी। तो आज वो हम वो बनाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये देखें, उनके उसके इंग्रेडिएंट सिर्फ 4 हैं। ये फ्लावर है 1 कप, ये नमक है 1 टेबलस्पून, ये जीरा है 1 टेबलस्पून, और ये 1/4 कप है घी। अब आपको हमने सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, तो अब हम मिक्सिंग का काम शुरू करेंगे। हमें एक बड़ा सा बाउल चाहिए और एक स्पैचुला चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले तो फ्लावर मिक्स करेंगे। ये जा रहा है। सारे इंग्रेडिएंट्स हम पहले मिक्स डालेंगे, फिर हम मिक्सिंग शुरू करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अब हमारे डल गए हैं। अब हम शुरू करेंगे मिक्सिंग। अब हम इसे पहले जरा सा ऐसे करके मिक्स कर देंगे, फिर हम इसे बीटर से मिक्स करेंगे। ये ज़रा सारे थोड़े मिक्स हो जाए। अब हम इसे बीटर से मिक्स करेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के गूंदेंगे। आपको ये ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ज़्यादा ही सख्त भी नहीं करना, जैसे आप अपनी रोटी का नॉर्मल घर की रोटी का नॉर्मल आटा गूंदते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये आप देख रहे हैं कॉर्नर्स पे थोड़ी ज्यादा हो रही है, ये भी सही से मिक्स करनी है वरना फिर ये आपकी सही बनेगी नहीं। मशीन से ही गूंदे आप, और नॉर्मल घर का आटा हाथ से अगर गूंदते तो आप ये भी हाथ से गूंद सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये मशीन से ही गूंदेंगे। मैं मशीन से गूंद रही हूँ जाके आप पानी हो जाए। और अब थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ठीक है, लेकिन अभी भी इसे पूरे 2 मिनट्स चाहिए फुल। अब भी आप देख सकते हैं हमने बना ली आटा, इसका गूंद लिया है। अब पहले हम इसे छोटे छोटे पेड़े लेंगे और इसको सही से बेलेंगे पतला, और फिर हम इसे कट करेंगे वही फिंगर वाले साइज़ में। और मेरा मतलब जैसे फ्रंट फ्राइज का साइज़ होता है, लेकिन वो मोटा नहीं होगा, वो पतला सा होगा लेकिन रेक्टेंगल में ही होगा। फिर हम उसे घी में डालेंगे और फिर उसे डीप फ्राई करेंगे। इसकी बॉल्स बना दी है। अब ये देख सकते हैं आप, हमने तेल भी रख लिया, अब हम इसे गर्म होने रख रही हैं, और हमने ये दोनों चीज़ें भी रेडी कर ली हैं जाके फिर बाद में हमें हटना ना पड़े। अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं अपने भाई के साथ वीडियो प्ले कर रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, मैं आज अपने भाई के साथ वीडियो प्ले कर रही हूँ। तो अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर में बताया था। इस पे आपने फोर्स नहीं डालनी वरना खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा मोटा है, ये फिर आपकी पूरे खराब कर देगा। अभी इसको बेलते रहना है। हमने इसे पूरा बेल लिया, पतला बिल्कुल। अब हम इसे कट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, आज बहुत जमी चीजें बनाएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं और आज भी अच्छी बनाएंगे। तो अब हम इस पिज्जा के कटर का यूज कर सकते हैं। अब हम इसे ऐसे कट करेंगे। आप देख सकते हैं ये बीच वाली कुछ ज्यादा ही लंबी है, तो आप इसे हाफ में कट कर सकते हैं। ये बस ये हो चुका है। हमने पहले इसे स्ट्रेट में कट किया था, अब हम इसे क्रॉस में कट करेंगे, जाके आपको नमक मारे की डायमंड शेप मिल जाए। ये अब खत्म होने वाला है डायमंड शेप। ये अब हमारी हो चुकी है, अब हम इसे हल्के हल्के उठाना है। अब हमने इसे कट कर लिया है, अब हम इस प्लेट में डाल रहे हैं। और फिर ये मैं अपनी मामा से कढ़ाई में डलवाऊंगा क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तेल बहुत ही गर्म है, हम ये डाल रहे हैं। इसका हम गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे और फिर उतार देंगे। आज आपको खुद ही रखनी है वरना फिर स्लो पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा सा कलर आ गया, अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसे फूल गए हैं, हमने इसे डिश आउट कर लिए इसलिए। और अब हम ये पापा के पास लेके जा रहे हैं। बहुत ही आला बनाए। इस नमक पारे के टेस्ट तो एक तरफ है, लेकिन इसमें जो मोहब्बत और केयरिंग जो मेरे बेटे ने मेरे लिए की है उसकी बात सबसे आला है। और ये चाय तो बहुत ही शानदार है। मेरा बेटा चाय बहुत अच्छी बनाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें अपनी कमेंट्स में बताएं कि हम इसको और मज़ीद कैसे बेटर कर सकते हैं। कैसे बना? अच्छे। उधर बताएं ना बेटा, बहुत अच्छे बहुत मजे बने।
माशाल्लाह से मेरा ये भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक गया है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनी है। थैंक यू।